नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ। मैं आज थोड़ा परेशान हूँ। ब्लॉग में देखा होगा आपने कि देवा को वैक्सीनेशन के लिए लेके गए थे, तो उसकी डेट डॉक्टर ने दी थी 17 तारीख की। अब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि 2 दिन ऐसे ही गोल हो गए। आज है 19 तारीख, 2 दिन ऐसे ही गोल हो गए कि तब रोएगा बेचारा, तब परेशान होगा, क्या करें। लेकिन वैक्सीनेशन तो करवाना ही है, और ये सोच सोच के पूरा घर परेशान है कि कितनी तकलीफ होगी बेचारे को, कितना रोएगा वो, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बहुत घबराहट हो रही, रात से ही घबराहट हो रही है मुझे तो, कि मतलब यार आज फिर से वो रोएगा, उसके फिर से दर्द होगा, इंजेक्शन लगेंगे। पिछली बार उसको 3 इंजेक्शन लगे थे, अब 2.5 महीने पे उसमें लिखा है 5 इंजेक्शन लगने के लिए। अब देखो उसमें क्या होता। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और मुझे 10 बजे तक पहुंचना है वहाँ पे। फिर बहुत भीड़ हो जाती है हॉस्पिटल में, तो कोशिश करूँगी मैं कि यहाँ से 9 बजे के आसपास निकल जाऊँ। अभी मैं सो के उठी हूँ, मतलब सो के क्या उठी हूँ, देवा उठ जाता जल्दी तो बस उसको फीड कराया, उसको चलाया, उसने 1 घंटा बर्बाद कर दिया मेरा। फिर मैंने उठ के झाड़ू वाड़ू लगा के बस मैं फ्री हो गई हूँ काम से, नहा के आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा कर लो, जय श्री कृष्णा। हो गई दादू, नाई नाई कर रहे हैं दादू, स्कूल जा रहे हैं दादू, है ना, स्कूल जा रहे हैं दादू। देवा कपड़े, देवा भी तैयार हो रहे हैं, मालिश करवा के देवा तैयार हो जाएंगे। देवा अब जो बिना आवाज के रिपोर्ट ही करते हैं लेट हो जाएंगे। वो चले गए स्कूल तो पूछ रहे थे वो, फिर मैंने कहा व्लॉग भी तो करना है। अरे अब तो मेरा भी तो सोचा करो ना कभी। मामा वो नहीं उठ रहे हैं, आप तैयार हो जाओ। इन्हें तो लो तो तैयार हो, इनको पहले पूरा तैयार कर दे, तब मैं ना मैं खराब कर दे जितनी। आ जाओ मम्मा। तो फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं और लड्डू तो, हाँ भैया आ रहे हैं। लड्डू तो सो के उठे भी नहीं है, तो मैंने बाहर, राहुल भैया है मेडिकल पे, मतलब भैया क्या वो घर जैसे ही है, तो मैंने उनसे बोल दिया था भैया ऑटो रुकवा लेना क्योंकि लड्डू तो उठे नहीं है। तो फिर मम्मी को साथ में लेके जा रहे हैं और देवा सो गया है, नहा धो के इनको नींद आ जाती है तो ये सो गया है। और आगे का व्लॉग मैं फ़ोन से करूँगी, कैमरा लेके नहीं जाऊँगी। चलिए मिलते हैं आपसे आगे, अभी हम लोग निकलते हैं, ऑटो आ गया है। मम्मा चलो। जग गए रोने की बात नहीं
चल चल मैं रखती आराम से चलना इस पे ले जाइए चिटौड़ा राजस्थान की बनाई हुई एक बटी कितने रुपए दे भैया एक बटी दस रुपया और दे जग रहे हैं लाल लाल पड़ गए एकदम धूप की वजह से तलिया डाल लूँ मम्मा बस ओ बन गए लाल सुंदरिया बहू बन गई है ता बहू किसकी दुल्हनिया है ये इसको बड़ा मजा आ रहा है झूला सा झूला है ना चलते में चल दे बुआ जी बाय कर लो बुआ जी से इनको घर चलते ही सबसे पहले बर्फ से सिकाई कर देना उसके बाद वो लगा देंगे झंडू बाम वो भी दे देंगे साथ में तो कम दिक्कत होगी जाते ही कर देंगे ये सब कुछ इंतजार नहीं करेंगे दर्द होने का मम्मा अभी पहले से जल्दी बर्फ से सिकाई करके और वो लगा दो झंडू बाम तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं अभी अभी आए हैं
लड्डू भी जग गए हैं, तो बस मेरी लड्डू से थोड़ी सी लड़ाई हो गई, इतनी सी इतनी सी। अरे यार एक बात बताओ यार, रात को मैंने 4 बजे तक एक्टिंग करी, फिर भी मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना कि उसकी वैक्सीनेशन होना है तो टाइम से सो जाना, ठीक है। और आपने देखा ही होगा व्लॉग में कि पहले थोड़ी देर पहले कि कितना रो रहा था देवा, लेकिन अभी थोड़ा शांत है, तो मैं इसको झंडू बाम लगा दूंगी। और झंडू बाम ही कहा है, मैंने झंडू बाम लगा दूंगी उसको, थोड़ी सी बर्फ से सिकाई कर दूंगी और पैरासीटामोल दे ही दूंगी तो उसको बुखार ना आए। थोड़ी सी जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ पे भी लगा देना पैरासीटामोल। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। देख लो भैया कितनी सारी गाड़ी निकल रही है, गाड़ियों पे गाड़ी। हाँ इतनी सारी गाड़ी कहाँ से आ जाती है रोड पे, अपने अपने घर से आ जाती है। और मेरे लाल कटे मौसी कैसी लग रही है आज, उसकी क्यों है मौसी, आपकी साली होगी, मेरी बहन तो नहीं है वो। बहन नहीं है आपकी? नहीं है। देखने में तो आपकी जैसी लगती है। आपकी बहन है वो, मेरी नाना तो लगती है। अंकी ये देखो तुम्हारी बुइया है, ठीक है। हाँ तुम्हारी बुइया है, तो बुइया हुई लाल आप ले के आई थी उसे अपने साथ। हम नहीं लेके आए चुन के, शादी के बाद। फिर तो बेटी हुई आपकी, बेटी गोद ली हुई, गोद ली हुई बेटी तुम्हारी बहन हुई। ओ मेरे नाथ, इसे बड़े यार ये बेचारा गिरा जा रहा है, बड़े मुश्किल से इसका मन पैदा रहे, पता है। तुम लोग अपनी दुकान में तो ये कुछ सही भी नहीं कर रहा पाए, बेटा अंदर रो रहा था, यहाँ थोड़ा चुप है, यहाँ के थोड़ा शांत हो गया, मन दिमाग उसका बट रहा है ना, यहाँ पे सड़क पे घूम रहा है दिमाग, इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है, लाल मेरा इतना फोकस कर रहे हैं बाहर है ना। हाँ अगर मैं ऐसे बैठ जाए घूम के इस पे तो ये तो इनका मन नहीं लगेगा, ये बाहर का नजारा देख। नानू से बत्ता बत्ता हो रही है, क्या बातें चल रही है भाई। मत बोलो जी उसमें, ठीक है ठीक है करो, हम नहीं बोल रहे। क्या बना रहे आप? छोले भटूरे आप बनाओगी, लेकिन मैं भटूरे खिला सकती यार। तो सकती हो? नहीं मैं खिला नहीं सकती, बनेंगे नहीं अब तो खाओ तो कैसे यार, मुझे बनाने के छोले आपके बीच में घुस गए हो। मैं बना नहीं रहा था, लग गया यहाँ पे है? बनाना था तो बनाती क्या बत्ता बत्ता चल रही है? जोमेटो से बोल रहे हो? एक पिज्जा ऑर्डर कराना है, भेज दोगे? भेज दोगे? मजा आ रहा है? ऐसा लग रहा छोले भटूरे खा रहा हूँ, तो उससे भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। ये एक बाइट लो, खिलाओ ना, इतना कौन वेट करवाता है, मैं प्याज नहीं खाती हूँ यार। क्या मस्त छोले बनाए आपने, गजब। पूरी देखो, पूरी पूरी देखो, पूरी की धार देखो, पूरी किसने बनाई है? पूरी है बेटा, ये बेइज्जती करने के लिए बुलाया था यहाँ पे।
बेइज्जती कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसी चाहिए थी। ये देखो कितनी सॉफ्ट है, सॉफ्ट भी तो दिखा रहा हूँ मैं, क्रंची भी बताई थी मैंने, सॉफ्ट भी बताई थी है ना। हाँ वही कह रही हूँ मैं यार, झूले तो यार मैं क्या करूँ, मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। मैं हूँ तो यहाँ पे क्या खाया करूँ। अरे कलंक है मिर्चा के नाम पे, तो मैं पांच पांच छह छह मिर्चा लगा के खा रहा हूँ, आई नहीं रही थी कि क्या ब्लॉग एंड बाद में करूँगा, पहले मैं खा लूँ।